हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? लास्ट हमने अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने सीख लिया ना कि अगर किसी प्राथमिक परिपथ, ये वो हमने प्राथमिक परिपथ माना था, तो अगर जैसे ही हम यहाँ कुंजी में डॉट लगाते हैं तो यह करंट फ्लो होता है, तो अगर इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके पास जो दूसरी कुंडली रखी होती है उसमें क्या आता है बच्चों? विक्षेप आता है। दूसरी कुंडली में जो धारा वहां पे जुड़ा हुआ है उसमें विक्षेप आता है, यानी इसका जो फ्लक्स है वो इससे भी संबद्ध हो गया। और यहाँ क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस घटना को हमने बोला था अन्योन्य प्रेरण। पांच एक लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, उसको पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? दो समाक्षी। समाक्षी मतलब समान अक्ष। दो समाक्षी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। यह आज का टॉपिक है दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। दो परिनालिका है, समाक्षीय एक ही अक्ष पर है, उनके मध्य क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो जैसे सपोज करो हमारे पास ये कोई परिनालिका है, सपोज करो इसको मैंने मान लिया P1 परिनालिका। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1। इस तरह इसमें करंट कितना बच्चों? I1 है, यानी इस तरह परिणालिका ही। और मैं दूसरी परिणालिका को ऐसे इसमें लपेट रहा हूं, P1 परिणालिका के ऊपर हम P2 परिणालिका को लपेटेंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो हम इस तरह मान लें ये हमारी दूसरी परिणालिका, ठीक है। तो इसको हम इसमें लपेट रहे हैं, तो ये हमारी P2 परिणालिका है। ये क्या है बच्चों? P2 परिणालिका, समझ रहे हैं? ये P1 परिणालिका थी, ये इसके फेरे थे, और दूसरी परिणालिका को हमने इस तरह लपेट दिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं समाक्षीय परिणालिका, क्योंकि इन दोनों परिणालिका का जो अक्ष है वो कैसा है? समान है। ये इनका क्या हो गया? अक्ष हो गया। दोनों परिणालिकाओं का अक्ष कैसा है? समान है, ठीक है। मैंने मान लिया जो P1 परिणालिका है और P2 परिणालिका है, इन दोनों की जो लंबाई है वो है स्मॉल एल, मान लेता हूं मैं। दोनों परिणालिकाओं की लंबाई स्मॉल एल है। P1 परिणालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N1 है टोटल, और ऐसे P2 परिणालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल N2, ठीक है। तो जब हम P1 परिणालिका में करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो P1 परिणालिका में I1 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा उसको देखें। देखो P1 परिणालिका के अक्ष पर, P1 परिणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें पता है परिणालिका के लिए फॉर्मूला जो होता है B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट Ni। मैं P1 की बात कर रहा हूं, तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 है, और करंट कितना है? I1। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा जो P1 परिणालिका है उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, क्लियर। अब ये हमें पता है
कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूसरे वाली परिनालिका से भी क्या होगा, संबद्ध होगा, क्योंकि ये P2 परिनालिका P1 पर लपेटी हुई है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो P2 से भी क्या होगा, संबद्ध होगा। तो इसका मतलब P2 से भी क्या होगा, फ्लक्स संबद्ध होगा। क्या संबद्ध होगा? फ्लक्स संबद्ध होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः P2 परिनालिका, अतः P2 परिनालिका से संबद्ध, P2 परिनालिका ऐसे लिखूं मैं, P2 परिनालिका के प्रत्येक फेरे से, P2 परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर फेरे से संबद्ध होगा, यानी जो फ्लक्स है वो हर फेरे से क्या होगा, संबद्ध होगा। अतः P2 परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं, सपोज करो φ2' मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? φ2'। φ2 क्यों माना? क्योंकि P2 परिनालिका की बात हम कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम क्या मान रहे हैं? A। प्रत्येक फेरे का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कितना है? A। तो अब ये तो प्रत्येक फेरे के लिए हुआ, P2 परिनालिका में कुल कितने फेरे हैं? N2 फेरे हैं। तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? देखो, अतः कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, टोटल चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स सपोज करो मैंने क्या मान लिया, φ2। तो एक फेर ऐसा है φ2', तो N2 फेरों से कितना हो जाएगा? N2 φ2', क्योंकि P2 परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी है? N2। तो ये हो गया N2 φ2'। तो P2 परिनालिका से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा φ2, अब मान रख दो, देखो N2 φ2' का मान रख देते हैं B1 A। तो φ2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट N1 अपॉन L(I1)। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L(I1)। इक्वेशन नंबर कौन सी आ रही है? 2। तो φ2 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L(I1), ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये P2 परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। अब आ जाओ अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से देखें, जो हमने पढ़ा हुआ है अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हमें पता है कि φ2 इज इक्वल टू होता है MI1। φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MI1। यदि P1 परिणालिका में I1 धारा प्रवाहित की जाए और P2 परिणालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो, तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि φ2 इज इक्वल टू MI1। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, M21 लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होगा? दूसरी परिणालिका का पहली परिणालिका के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अब इसे आप तुलना कीजिए समीकरण नंबर 2 व 3 की। देखो समीकरण दो व तीन की तुलना करने पर तो क्या मिलेगा हमें? देखो φ2 I1 तो हमें मिल जाएगा M21। M21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन स्मॉल L। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन स्मॉल L। स्मॉल L क्या है? दोनों परिणालिकाओं की लंबाई। N1 P1 परिणालिका में कुल फेरों की संख्या, N2 P2 परिणालिका में कुल फेरों की संख्या, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, और A है कि परिणालिका के प्रत्येक फेरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या आ गया? M21। अब मानो इसी को हम ऐसे करें कि अगर अपन अभी तो हमने P1 परिणालिका में P2 को लपेटा, अब हम क्या करें? P2 परिणालिका के ऊपर P1 को लपेटें।
यदि पी टू में धारा प्रवाहित करें हम आई टू और पी वन परिणालिका में हम चुंबकीय फ्लक्स निकाले फाई वन, तो बिल्कुल वही बात आती है। देखो यदि पी टू परिणालिका, यदि पी टू परिणालिका में धारा आई टू प्रवाहित की जाए, अभी तो हमने पी वन में धारा प्रवाहित करी है, अब पी टू की बात कर रहे हैं, यदि पी टू परिणालिका में धारा आई टू प्रवाहित की जाए, ठीक है, तथा पी वन से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई वन हो, तो बच्चों उस स्थिति में भी आपको यही मिलेगा कि phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, आई टू। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से जब आप बात करेंगे तो हमें यहां मिल जाता है एम वन टू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल, और ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरी परिणालिका का पहली परिणालिका के सापेक्ष या पहली परिणालिका का दूसरी परिणालिका के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, समान होता है, क्योंकि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो दो परिणालिकाओं के मध्य होता है। तो लिख सकते हैं देखो 4-5 से, तो इसको हम कैपिटल M12 या M21, ये इसको हम क्या बोलते हैं, केवल M, तो इसकी M की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल। तो ये होता है दो परिणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, ओके, तो दो समाक्षीय परिणालिकाओं के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, कैपिटल एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल। क्लियर है, ओके, अब देखिए टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका, ये इसी में थोड़ा आगे चले, तो इसी में क्वेश्चन बना के देखे अपन, एक क्वेश्चन ले हम, देखो यदि दो परिणालिकाओं के स्वयं प्रेरित तत्व क्रमशः L1, L2, यदि दो परिणालिकाओं के स्वयं प्रेरकत्व क्रमशः कैपिटल एल वन कॉमा कैपिटल एल टू एवं उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M हो तो सिद्ध कीजिए, दो परिणालिकाओं के स्वयं प्रेरकत्व कैपिटल एल वन और कैपिटल एल टू हमने मान लिया, और दोनों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो कितना है भाई, कैपिटल एम है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहा है कि कैपिटल एम इज इक्वल टू अंडर द रूट एल वन एल टू। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो परिणालिका है, पहली परिणालिका में फेरों की संख्या कैपिटल L1 है, दूसरी परिणालिका में फेरों की संख्या कैपिटल L2 है। ठीक है, पहली परिणालिका का स्वयं प्रेरकत्व कैपिटल L1, दूसरी का स्वयं प्रेरकत्व कैपिटल L2, दोनों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M, दोनों परिणालिकाओं का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कितना है बच्चों, कैपिटल A। तो आप जानते हो फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्वयं प्रेरकत्व का परिणालिका के लिए,
ठीक है, क्या होगा देखो, चूंकि एल वन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन वन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल, इक्वेशन नंबर वन, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, स्मॉल एल लंबाई और कैपिटल एन वन फेरो वाली परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व तो क्या होगा, एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। ऐसे दूसरी परिनालिका के लिए एल टू कितना होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, म्यू नॉट एन टू स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, एल वन एल टू चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो समीकरण एक और दो को हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या मिलेगा, एल वन एल टू इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल वन एल टू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल का होल स्क्वायर। और आपको दिख रहा है ये वैल्यू किसकी होती है, समीकरण नंबर छह से देखिए, ये कैपिटल एम की वैल्यू होती है, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन स्मॉल एल, ये वैल्यू किसकी होती है, कैपिटल एम यानी अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू होती है। तो यहां से क्या मिलने वाला है हमको कि एल वन एल टू इज इक्वल टू कैपिटल एम स्क्वायर, यानी बच्चों कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एल वन एल टू, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिद्ध करो कैपिटल एम इज इक्वल टू रूट एल वन एल टू। तो ये तो देखो आदर्श स्थिति है, जनरली जो फॉर्मूला हम लेते हैं ये आइडियल केस है, ये वो वाला केस है जब पहली परिनालिका का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पूर्ण रूप से दूसरी परिनालिका से संबद्ध हो जाता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का कोई लॉस नहीं होता, चुंबकीय फ्लक्स का कोई हानि या कोई क्षय नहीं होता था। तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू अंडर रूट एल वन एल टू। ठीक है, सामान्यतः हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सामान्यतः जो फॉर्मूला लिखेंगे वो हमें इस तरह लिखना चाहिए, कैपिटल एम इज इक्वल टू के रूट एल वन एल टू। ठीक है बच्चों, यहां जो के होता है उसे बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, ये कपलिंग को शो करता है, कपलिंग फैक्टर यानी युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक क्या बोलते हैं कैपिटल के को, युग्मन गुणांक। नॉर्मली जो के की वैल्यू होती है बच्चों जीरो से एक के बीच में होती है, के की वैल्यू क्या होती है, जीरो से एक के बीच में, जीरो से एक वाले केस में, जीरो से एक वाले केस में हम इस तरह ले सकते हैं, मानो ये कोई परिनालिका, ठीक है, अब इनका हमने युग्मन कर दिया, ये दूसरी परिनालिका, ये जीरो से एक वाला केस है। जीरो कब होता है, के बराबर जीरो की बात करें, यानी मान लो एक परिनालिका ये रही और एक आपने मान लो इस तरह बना ली, तो इनमें कोई युग्मन नहीं होता, तो के बराबर यहां क्या होता है, जीरो। के इज इक्वल टू वन वाला केस वही है जो हम लेके चलते हैं कि भाई मान लो ये तो के जीरो वाला केस हो गया। ठीक है, ओके, तो यहां जीरो से एक वाली जो बात है इसे बोलते हैं अल्प युग्मन, क्या बोलेंगे, अल्प युग्मन। ठीक है, यहां कोई कपलिंग नहीं हो रही तो के बराबर जीरो, तो एम बराबर जीरो, ओके। और हम बात करें के इज इक्वल टू वन वाला केस, ठीक है, तो ये होता है टाइट कपलिंग, इसे बोलते हैं गाढ़ युग्मन, क्या बोलते हैं भाई, गाढ़ युग्मन, क्लियर। तो इस वाले केस में बिल्कुल पूर्ण रूप से जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो संबद्ध होता है, ये हमारा पहली परिनालिका और ये बिल्कुल दूसरी परिनालिका, इस तरह से बिल्कुल कपलिंग है, तो यहाँ के इज इक्वल टू क्या होता है, वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीन केस हमारे पास है, के बराबर जीरो, कोई कपलिंग नहीं है, नो कपलिंग,
और k इज इक्वल टू वन टाइट कपलिंग, ये सबसे अच्छा युग्मन है। और नॉर्मली जो वैल्यू होती है k जीरो से a के बीच में होता है, एंड दैट इज द केस ऑफ अल्प युग्मन, ठीक है, लीस्ट यानी लो कपलिंग। तो m इज इक्वल टू k रूट एल वन एल टू, क्लियर है। तो यहां बात क्लियर है कि अगर मान लो फॉर्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू रूट एल वन एल टू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मान लो L1 जीरो हो या L2 जीरो हो, ठीक है, आप इस वाली इक्वेशन में देखें, इक्वेशन नंबर ए में यदि मानो L1 जीरो हो या क्या हो L2 जीरो हो, यदि L1 बराबर जीरो हो या L2 जीरो हो तो M भी क्या होगा, जीरो होगा। M भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि यदि L1 जीरो कि किसी एक परिणालिका का संप्रेक्षक तो जीरो हो, दूसरी परिणालिका का संप्रेक्षक तो जीरो हो, ठीक है, या दोनों का ही जीरो हो, तो कहने का मतलब अन्योन्य प्रेक्षक भी क्या होगा, जीरो। यानी जो अन्योन्य प्रेक्षक है वो बिना संप्रेक्षक के नहीं हो सकता। तो परिणालिका का स्वयं का संप्रेक्षक होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। किसी एक का भी जीरो होगा तो उन दोनों के मध्य कोई अन्योन्य प्रेक्षक नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो स्वयं प्रेरकत्व के बिना नहीं हो सकता, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है हो, कि अन्योन्य प्रेरकत्व के बिना स्वयं प्रेरकत्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अन्योन्य प्रेरकत्व के बिना स्वयं प्रेरकत्व भी हो सकता है, क्योंकि मानो एल वन जीरो नहीं है, एल टू जीरो नहीं है, लेकिन के जीरो है, तो के जीरो होगा तो एम भी क्या होगा, जीरो होगा। और देख रहे हैं स्वयं प्रेरकत्व तो है लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व तो नहीं है, अरे बात समझ में, क्योंकि k जीरो हो सकता है, l1 l2 का जीरो होना जरूरी नहीं है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व के बिना स्वयं प्रेरकत्व तो हो सकता है, लेकिन स्वयं प्रेरकत्व के बिना अन्योन्य प्रेरकत्व तो नहीं हो सकता है। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्लास समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।